हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आज हम आए हैं खेतों पे घूमने के लिए, और हम इधर घूमने के लिए आए हैं। ये खेत है, सारा माहौल यहाँ पे जंगल सा हो रहा है, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और अब हम अपने वहाँ पे एक प्लॉट पड़ा है, वहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए। और ये मम्मी क्या लग रहा है यहाँ पे? ये आल लग रही है, आल प्याज जिसे कहते हैं, आल प्याज। और देखिए इतनी सुंदर लग रही, इतनी दूर तक आल प्याज लगी हुई है यहाँ पे, और यहाँ आल प्याज लगी हुई है। बहुत सुंदर यहाँ माहौल है। और ये है गवर्नमेंट कॉलेज, जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वो चीज़ है। और हम बहुत दूर आ चुके हैं यहाँ पे, हम अपने प्लॉट की साइड जा रहे हैं, जहाँ पे एक छोटा सा प्लॉट हमने ले रखा है। और यहाँ पे बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ, आप मेरे साथ साथ चलिएगा। और मेरी वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और प्लीज़ कमेंट वगैरह। तो चलते हैं। और मानसी, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कितना मज़ा आ रहा है। और यहाँ चलते हैं, ये देखिए यहाँ पे लग रहे हैं ये आलू लग रहे हैं यहाँ पे। आल और आलू दोनों हैं, आल देखिए, ये आलू और आल दोनों हैं, दोनों। तो चलते हैं हम और आगे। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने प्लॉट पर, तो मैं आप दिखाती हूँ आपको प्लॉट। देखिए यहाँ पे भैंस भी चर रही हैं, ये हैंगी भैंस, खाना खा रही हैं अपना यहाँ पे। और सो गाइस देखिए कितना सुंदर, कितना प्यारा लग रहा है, इसकी आंखें कितनी रेड रेड है, ये देखिएगा कितना प्यारा लग रहा है ये। छोटू और एक और है ना, उसको भी बुलाना जरा। चार पांच है। तो तुम ये बेचते हो क्या? ना। खुद पालते हो? कौन सा? कितना सुंदर लग रहा है देखिए चूहा, कितना प्यारा लग रहा है ये। इधर देखना, वाओ कितना सुंदर लग रहे हो तुम हैं भाई। नाम क्या है तुम्हारा बताओ? तो गाइस ये बहुत सुंदर चूहा लग रहा है, कितनी रेड रेड आंखें हैं इसकी, जिसकी आंखें रेड लग रही हैं। कितना अच्छा लग रहा है ये वाइट वाइट चूहा। और इन्होंने डॉगी भी पाल रखा है, ये बैठा है डॉगी। ओए काटता तो नहीं है तू? ऐसा ना काटे, देख ही नहीं रहा है, नाराज बैठा है। मैं अब दूसरे खेत पे, ताई के खेत पे हम चलते हैं गाइस। अब आपको मैं ताई का खेत भी दिखाती हूँ, वहाँ भी चलते हैं हम। और मनसा तू भी चल रही है वहाँ? ना मैं ना जा रही। अंशुल आप चल रहे हो वहाँ ताई के खेत पे? यस। ताई के खेत पे अंशुल जाने के लिए रेडी है, और हम सब जा रहे हैं। मानसी भी है साथ, मम्मी भी है साथ, मम्मी भी आ रही है, ये मम्मी भी खेत पे जा रही हैं। अब हम खेत पे चल रहे हैं और ताई के। तो चलिए गाइस अब हम चलते हैं। तो आप जो है मेरी वीडियो को प्लीज इंटरेस्ट लेके देखें, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें वो चैनल को। तो चलिए गाइस चलते हैं। देखिए गाइस ये पूरा का पूरा खेत ना आलूओं से भरा हुआ है, उधर तक बहुत दूर तक है ये आलूओं से भरा हुआ, और बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो आप भी देखिएगा, आपने देखे नहीं होंगे तो। फिलहाल मैंने भी नहीं देखे थे, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है आलू का खेत। गाइस देखिए यहाँ पे किसी ने ये बिल्डिंग बनाने की कोशिश की थी मिट्टी से, तो ये वो बनाने में अनसक्सेसफुल रहे, तो बिल्डिंग बना नहीं पाए हैं मिट्टी की। और ये लोग मिट्टी की बिल्डिंग बना के यहाँ रहने की कोशिश करेंगे, अब पता नहीं आगे क्या होगा, तो देखते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पे साड़ियों की दुकान लगी पड़ी है, और ये आलू का खेत है, और इधर भी साड़ियों की दुकान है। इधर देखो कितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं, जिसको भी साड़ी खरीदनी है वो यहाँ आ सकता है, अमरोहा मंडी यहाँ आ सकते हैं आप, मंडी रोड पे शुरू में ही आपको ये साड़ियों की दुकान देखने को मिल जाएगी। गाइस देखिए वहाँ तक है ये साड़ियों की दुकान, बहुत दूर तक है ये साड़ियों की दुकान, और इसके अंदर आपको बंद गोभी वगैरह देखने को मिलेगी। देखिएगा आपको साड़ी भी मिल जाएगी, और बंद गोभी लेके जाना चाहें तो आपको बंद गोभी भी मिल जाएगी। तो अब देखो कितनी अच्छी मार्केट लगा रखी है यहाँ पे साड़ियों की, बहुत ज़्यादा अच्छी मार्केट है।
देखिए गाइस वहाँ तक बंद गोभी है, ये बहुत दूर तक बंद गोभी है। वहाँ सामने पुतला लगा रखा है इन्होंने जो कोई आए ना, और ये बंद गोभी देखिएगा इतनी खूबसूरत लग रही है ये बंद गोभी किसी ने लगा रखी है। और यहाँ साड़ियों की दुकान बहुत दूर तक है गाइस, देखिए साड़ियों की दुकान, यहाँ जो गाय वगैरह आती हैं परेशान करती हैं ना गाय वगैरह, ये उनकी सेफ्टी के लिए इन्होंने साड़ियाँ बांध रखी हैं सब लोगों ने। देखिएगा गाइस, देखिएगा आप देख सकते हैं यहाँ मम्मी अंशुल और मनीषा जा रहे हैं खेत पे। ये यहाँ जनरेटर चल रहा है पानी के लिए, इससे पानी जा रहा है। ये देखिएगा, ये अब हम डोल पे चल रहे हैं गाइस, डोल पे पतली सी ये डोल है इस पे हम चल रहे हैं। यहाँ आलूओं का खेत है गाइस, और ये आप दूर तक देख सकते हैं सब पूरा ही पूरा का पूरा खेत है। और ये मम्मी वगैरह जा रहे हैं आगे, और ये भी आलू का खेत है। तो चलिए गाइस अब हम आगे चलते हैं, डोल 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 डोल, चलिए अब हम चलते हैं। मम्मी मत आगे निकल चुकी हैं, मौसी और मैं पीछे रह गए हैं, और हम चल रहे हैं तेज तेज। पास आ गए हैं, ये झोपड़ी है यहाँ की झोपड़ी, और ये यहाँ पे पानी जाने का सिस्टम आ गया है गाइस। और ये झोपड़ी हैं, ये देखिएगा यहाँ पानी भरा पड़ा गाइस, वहाँ से लेके वहाँ तक। साड़ियाँ यहाँ बांध रखी हैं गाइस, सब जगह साड़ियाँ बांध रखी हैं ताकि गाय नहीं आए। और यहाँ पानी भरा पड़ा है, ये पानी जाने का जो सिस्टम है ये यहाँ से है गाइस। ये आ गया ट्रेल, ये ट्रेल है, और ये देखिएगा गाइस कितना पानी है, कितना साफ है गाइस, देखिए कितना साफ पानी है। ये देखिएगा आपको पत्थर दिखाई दे रहे होंगे नीचे, पत्थर, कितना साफ पानी है यहाँ, देखिएगा कितना साफ है। वहाँ तक आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। ये देखिए गाइस टमाटर, टमाटर का पेड़ है ये टमाटर, कितने सुंदर टमाटर है, मगर अभी लाल नहीं हुए हैं टमाटर। तो अब हम आगे चलते हैं, और ये सुंदर सुंदर जगह के बाद आया हमारा सरसों का खेत। देखिएगा कितना सुंदर ये लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है गाइस। देखिएगा सुंदर का खेत, आपने देसी लुक अभी देखे नहीं है, ये देसी लुक है, आप जाके देख सकते हैं। बहुत से लोगों को देखने नहीं मिलते हैं जो सिटीज में रहते हैं बड़ी बड़ी। तो देखिए सरसों का खेत है, ये फूल हैं, और ये वाला फूल देखिएगा गाइस, कोई डांट रहा है? देखिए गाइस कितना सुंदर फूल है ये, देखिए गाइस कितने सुंदर फूल है, कितने सुंदर सुंदर फूल हैं। ये लहरा रहे हैं, देखिएगा कितने प्यार से लहरा रहे हैं ये। तो ये पूरा खेत आप देख सकते हैं वहाँ तक। ये ट्रेन जा रही है गाइस, देखिए यहाँ ट्रेन, ये जा रही है ट्रेन, कितनी स्पीड से निकली है ये ट्रेन। ये पूरी खेत में हमारे यहाँ से ट्रेन जाती है। यहाँ पे कुंडा है, उस कुंडे के पास बहुत कम ही लोग जाते हैं। अमरोहा में कुंडा है, आपने सुना भी होगा, आप नेट पे सर्च भी कर सकते हैं इस बात को कि यहाँ एक कुंडा है जिसमें पूरी की पूरी ट्रेन समा गई थी। और वो साइंटिस्टों ने भी यहाँ पे सर्च की कि ये ट्रेन कहाँ गई है, उस कुंडे में वो ट्रेन मिली ही नहीं, यहाँ तक का उसका ट्रेन का एक पार्ट भी नहीं मिला। यहाँ तक का जो ट्रेन था, ट्रेन में जो लोग थे उन लोगों का कोई पता नहीं लगा, ना ही ट्रेन का कोई पार्ट मिला। उस कुंडे में वो ट्रेन कहाँ चली गई, कहाँ गायब हो गई, साइंटिस्ट भी उस बात से हैरान है। यहाँ उस बात का न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगा, आप यूट्यूब पे कहीं सर्च कर सकते हैं। तो ये ट्रेन जो जाती है ये कुंडे पे से होकर ही गुजरती है, और कुंडा बिल्कुल पास में है, जो आगे है वहाँ पे उधर की साइड ही कुंडा है, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से कुंडा, बट वहाँ कोई जाता नहीं है क्योंकि वहाँ कहते हैं भूत प्रेत रहते हैं इसलिए। तो गाइज अब हम आगे चलते हैं, ये हम आ गए हैं यहाँ, यहाँ पास में देखिएगा ये पानी है, और हम यहाँ डोल पे चल रहे हैं, और ये हम पहुँचे। ये लंबाई है, ये स्क्वायर तक ही तो है ना? हाँ, आलू आलू की सारी आलू है सब। और ये यहाँ पे यहाँ ठंडे पे
गाइस ये काट रहे हैं मेथी पालक, ये मम्मी पालक मेथी काट रही हैं यहाँ से ताई के खेत में से। ये साग के लिए काट रही हूँ मम्मी, साग के लिए काट रही हूँ, भुज्जी के लिए काट रही हूँ मम्मी मेथी पालक। और गाइस देखिएगा ये ट्रेन आई है यहाँ से, ट्रेन निकल के जा रही है, निकल गई पूरी की पूरी ट्रेन यहाँ से, और ये वहाँ जाके बातें कर रहे हैं, और मम्मी यहाँ पे काट रही हैं पालक मेथी। आपको भुज्जी कैसी लगती है गाइस, आप कमेंट में बताएं मुझे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारी मौसी है, जो हमारी मम्मी है। मम्मी सरसों की भी तो बनती है भुज्जी, तो काट लो ना। कौन सी सरसों की? ये क्या है तो? इतनी बड़ी बड़ी की, बहुत बड़ी है ये। अच्छा, छोटे छोटे सरसों की भुज्जी बनती है, बड़ों की नहीं बनती है। अम्मा ने भी लगा रखी है नूरपुर में सरसों। ये पेड़ है गाइस, पेड़ यहाँ पहले खेलने के लिए आते थे जब हम छोटे छोटे थे, फिर नहीं आए, हम बड़े होके आए ही नहीं, हम छोटे छोटे आए थे। गाइस इनसे डोलो पे चला नहीं जा रहा है, ये महारानी है जिनका नाम मनीषा है। नीचे मुंह करके चल रही है, अरे 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 गिर गई ये गिर गई। ये खड़े हैं अंशुल, तू आई सगले दिखे, चल के आओ चल के। यहाँ रहे अंशुल, अंशुल सही चल लेते हैं आराम से डोलो पे, मगर ये भी धीरे धीरे एक्टिंग कर रहे हैं आने की, स्लो मोशन आने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इनसे अच्छा खासा चलना आता है। तो आपको हमारा खेत कैसा लगा, इधर देख के बोलो कैसा लगा? आलूदार ये खेत आलूदार लगा यहाँ पे, क्योंकि आलू ज्यादा लग रहे हैं। गोभी के नहीं, मूली के परांठे बनाएंगे, तो हमने मूली खेल ली है, और आलू के पत्तों के परांठे बनाएंगे अंशुल के लिए, अंशुल की। और गाइस जहाँ तक भी आपकी नजर जा रही है ना, जहाँ तक भी आपकी नजर जा रही है सब हमारी है। नहीं नहीं ये झूठ बोल रही है, किस किस की है ताई की जमीनों को, हमारी जाने किस किस की जमीनों को। ऐसे कहने से क्या हो रहा है, खरीद ले मनीषा, अंशुल तुम खरीद लो। करेगा कौन दोनों में से? ये कह रहा अगर मैं जमीन खरीदता हूँ तो इनसे पूछिए दोनों करेंगे कि खेती। हाँ इनके साथ कर लेंगे। नहीं नहीं दोनों को करनी पड़ेगी, हम ध्यान रख लेंगे बस कि तुम खेत में काम अच्छे से कर रहे हो कि ध्यान नहीं रखना, ध्यान तो मैं भी रखूंगा। काम रखेगी मूली पत्ते, करना होता करना, फोन कर देंगे ले जाएंगे अपना, मम्मी कर लेंगी है ना, मम्मी तुम कर लोगी ना खेती। गाय तो ले चलो मम्मी, चाची एक ही बार करा कर दवाई पूछती रह जा रहे, फिर मम्मी सोचेंगी मैं नहीं जा रही खेती करने के लिए। तो गाय तो हम जा रहे हैं घर, हमने ये मूली ले ली है, इसके हम परांठे बनाएंगे, मानसी ये जो है ये पत्तों के परांठे खाएगी, अंशुल जो है आलू के पत्तों के परांठे खाएंगे, खाएंगे ये जो ब्लॉग बना रहे हैं ये बरसिंग के खाएंगे, ये बरसिंग है ये कह रहे हैं हम बरसिंग के खाएंगे। तो गाइस आप भी बरसिंग के परांठे खा के देखना आलू के पत्तों के कैसे लगते हैं, ठीक है। तो गाइस हम जो है ना खेत पे आ गए हैं, और खेत पे जो है बहुत ज्यादा बर्बादी तो नहीं कर रहे हैं, बस एक फूल तोड़ा है मैंने जो कान पे लगा लिया है सरसों का। और यहाँ बहुत ज्यादा मजा आ रहा है हमें, है ना पुतुल, मजा आ रहा है ना? हाँ बहुत ज्यादा। और हम सरसों के खेत में खड़े हैं, हम फुल एंजॉय कर रहे हैं, आप भी सरसों के खेत में एंजॉय कर सकते हो, और सरसों से जो है साग भुज्जी और तेल सब बनता है, कुछ भी बना लो जो मर्जी करे असली। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने घर, शाम हो गई है, सूरज छिप गया है, आपको सूरज नहीं दिखने का, पेड़ की आड़ में है वहाँ पे। तो अब हम चल रहे हैं अपने घर, हमने कान में फूल लगा लिया है जो बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है, देखिए गाइस कितना सुंदर फूल है ये मेरे कान पे, इतना प्यारा प्यारा फूल मुझे मिला है। और अब हम चल रहे हैं अपने घर, मम्मी ने भुज्जी काट ली है, थैला भर लिया मम्मी ने पूरा का पूरा। अब इससे जो है भुज्जी बनाएंगी मम्मी,